अब खबर गुजरात चुनाव की। आज कांग्रेस ने गुजरात में अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। गुजरात के रण में राहुल गांधी ने तमाम विवादों के बीच आज 3 रैलियां की। इन रैलियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे बड़ा वादा किया किसानों के फसली ऋण माफ करने का, और वो भी सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर। आपको ना सही दाम मिलता है, ना बीमा का फायदा मिलता है, आपसे जमीन छीन ली जाती है, आपको पानी नहीं मिलता, आपकी बिजली छीन ली जाती है। 10 दिन के अंदर हम पॉलिसी बना देंगे, किसान के कर्जा माफ करने की शुरुआत 10 दिन के अंदर मैं करके दिखा दूंगा। गुजरात में 46,61,000 किसान हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रति किसान परिवार पर औसतन 38,100 रुपए का कर्ज है। ऐसे में राहुल गांधी ने कर्ज माफी के सुपरहिट फार्मूले के जरिए किसानों के दर्द वाली नब्ज पर उंगली रखी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत राहुल गांधी पर पलटवार किया। किसानों के कर्ज माफी तो हम करेंगे ही करेंगे, किसान कर्जदार न बने इसकी भी योजना हमने बनाई। राहुल गांधी जानते हैं कि कपास का पौधा कैसा होता है, तंबाकू का पौधा कैसा होता है, ऋण का पौधा कैसा होता है, ज्वार का बाजरा पौधा कैसा होता है, मक्का का पौधा कैसा होता है, वो इस बात को पहचान ले, मैं उनको माला पहना के स्वागत कर दूंगा। बीजेपी के डर की वजह है यूपी में सुपर हिट साबित हुआ कर्ज माफी का फॉर्मूला। वहीं पंजाब में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का कार्ड खेलकर सत्ता हासिल की थी। सितंबर महीने में पंजाब सरकार कर्ज माफी के चुनावी वादे को पूरा करने पर सहमति जता चुकी है। इस फैसले का फायदा 10,25,000 किसानों को होगा। सरकार ने 5 एकड़ जमीन तक के किसानों के लिए 2,00,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। कर्ज माफी के लिए पंजाब सरकार ने 1,500 करोड़ का फंड जुटाया है, साथ ही केंद्र से 10,000 करोड़ का उधार मांगा है। वहीं यूपी में बीजेपी ने किसान कर्ज माफी का सुपरहिट फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। अप्रैल के महीने से किसान कर्ज माफी शुरू भी हो चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए अब सरकार ने कर्जे के लिए आवेदन शुरू कर दिया है, जल्दी ही उसको कर्ज लेके बनवाएगी। तमाम सड़कें बननी है उसके लिए कर्जा ले रही है, तो 7वें वेतन आयोग का पूरा पैसा भी कर्मचारियों को नहीं दिया जा सका। जाहिर सी बात है कि अगर पैसा सरकार का एक योजना पे जाएगा तो दूसरी योजनाओं के लिए अलग से बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। राहुल गांधी या कांग्रेस ने अभी ये साफ नहीं किया है कि कर्ज माफी की शर्तें क्या होंगी। बताया ये भी नहीं गया है कि कर्ज माफी के लिए फंड का इंतजाम कैसे किया जाएगा। गुजरात में 98 सीटें ग्रामीण इलाकों में शामिल हैं। 45 विधानसभा सीटों पर ग्रामीण और शहरी आबादी है। सिर्फ 39 सीट ऐसी हैं जिनमें सिर्फ शहरी आबादी है, यानी राहुल गांधी के ऐलान का असर 182 में से 143 सीटों पर पड़ सकता है। किसानों की तरफ से इस तरह की मांग लगातार की जा रही थी। ऐसे में राहुल के ऐलान से गुजरात के चुनावी रण में अब किसानों का मुद्दा और गर्म होने की उम्मीद है। तो कर्ज माफी कार्ड विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां खेलती हैं और इस बार नहीं चूके कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।